हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, PSU कंपनी है। स्टॉक प्राइस है 4100 के आसपास है और पिछले एक साल का जो रिटर्न है जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो 98% का रिटर्न है। जबकि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, 5674 से गिर कर 4100 के आसपास कारोबार कर रहा है। 2040 का इसका लो था साल भर का, तो 2000 से बढ़कर 5674 तक पहुंचा था और पिछले कुछ महीनों में इसमें गिरावट रही है दोस्तों। जुलाई के मंथ से इसमें गिरावट है, जुलाई के मंथ में ये 5500 के आसपास था। और बात करेंगे दूसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में, बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें देखिए जो टोटल इनकम का जो अपडेट है, ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, 5976 करोड़ का रेवेन्यू है, टोटल इनकम है 6520 करोड़ का और इससे पहले क्वार्टर में 5085 करोड़ का टोटल इनकम था, 6106 करोड़ का साल भर पहले था, 6106 करोड़ का साल भर पहले टोटल इनकम था, बढ़कर ये 6520 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम बढ़कर आया है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है 4758 करोड़ का है। कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स का जो अपडेट है 2002 करोड़ का है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफा आया है 1490 करोड़ का है, 1435 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 1235 करोड़ का था। तो 1235 करोड़ से बढ़कर ये 1490 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं, 22 का इसका अर्निंग पर शेयर है, 21.47 का इससे पहले क्वार्टर में था, 18.47 का साल भर पहले था। ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं HL के, जिसमें प्रॉफिट आया है 1490 करोड़ का। कंपनी का जो टोटल इनकम है वो बढ़कर आया दोस्तों 6520 करोड़ का, एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, टोटल इनकम बढ़कर आया है। गवर्नेंस पॉइंट्स के अनुसार बात करते हैं, 2,79,025 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 5 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 434 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.84% का और इसका पी रेशियो है 34 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं, 434 का बुक वैल्यू है, स्टॉक प्राइस 4100 के आसपास है, 10 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। HL की शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 4169 के आसपास स्टॉक प्राइस है और एक साल का रिटर्न 98% का दोस्तों। और जैसे कि 5674 का हाई बनाया, तो 5674 से गिरकर 4100 के आसपास आया है स्टॉक, गिरावट देखने को मिल रही है, बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है HL में। तो जो निवेशकों ने 4150 के ऊपर खरीदारी की है या 4300 के ऊपर खरीदारी की है, तो वो निवेशक एक तरह से चिंतित होंगे, वरीड होंगे कब उनका शेयर प्राइस आएगा दोस्तों। अब थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि जिस प्रकार से शेयर गिरा है तो बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है। उसका कारण यह है कि जो निवेशकों ने कम समय के लिए ट्रेड लिया होगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा तो वो निवेशक निकलना चाहेंगे, तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ का 4443 का रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर स्टॉक निकलता तब जाकर ये स्टॉक 4518 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो तेजी बन सकती है इसमें ऊपर की तरफ, जब ये शेयर 4790 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब तेजी देखने की संभावना रहेगी दोस्तों। नहीं तो एक रेंज में ऊपर की तरफ ये 4500-4600 नीचे का जो सपोर्ट रहेगा, अभी देखिए 4000 का रहेगा और इससे पहले भी एक तरह से ड्रॉप आया था इसमें जून के मंथ में और उसके नीचे कारोबार कर रहा है। अब जो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 3800 के आसपास का रहेगा और ओवरसोल्ड की स्थिति बनी हुई है टेक्निकली। तो जिन्होंने ऊपर की तरफ खरीदारी की है, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए, तो थोड़ा बहुत समय दें, होल्ड करें। बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिफेंस के लिए आगे इसके नतीजे और ऑर्डर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिलेगी, बट समय लग सकता है दोस्तों। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में HL को रखा है तो स्टॉक अभी ऊपर की तरफ ही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो गया होगा। 5674 का जो हाई बना है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर प्राइस HL का, तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं और जो निवेशक अभी खरीदारी भी कर रहे हैं। तो समय देना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा क्योंकि एक बेयरिश ट्रेंड, बियर्स एक तरह से शेयर प्राइस में भारी देखने को मिल रहे हैं और
पहले हाफ में बुल्स एक तरह से भारी थे, तो जुलाई के मंथ से इसमें बेयरिश ट्रेंड है। जब ये शेयर प्राइस 4,770-90 के ऊपर क्लोज देगा तब स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, नहीं तो एक रेंज रह सकता है नीचे की तरफ 3,800, ऊपर की तरफ 4,500-4,600 के बीच घूमता हुआ नजर आ सकता है। तो ये HL का लेटेस्ट अपडेट है, दूसरी तिमाही का अपडेट्स है, जिसमें टोटल इनकम बढ़कर आया, प्रॉफिट बढ़कर आया दोस्तों।